हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज की वीडियो में बात करेंगे हम एनटीए जेएनयू नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के एग्जाम डेट के बारे में। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सटीक जानकारी आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहेगी। तो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ, तो आप पीडीएफ पे जाते हैं। देखो, आपके जो जवाहरलाल नेहरू आपके जो जिसके ऑनलाइन आवेदन आपके लगभग 20/3 से 17/3/2023 तक इसके आपके ऑनलाइन आवेदन चले थे। और मैं आपको दूसरा एग्जाम देता हूँ जिसके अभी हाल ही में आपके रिक्रूटमेंट अभी चल रहे हैं, तो वो देखते हैं हम। देखो, ये आपके जो एग्जाम है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अभी आवेदन आपके चल रहे हैं। ये देख सकते हैं, यानी कि 27/3 के इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 26/4 तक इसके आवेदन चल रहे हैं। अभी आप सोच रहे होंगे इस एग्ज़ाम का उस एग्ज़ाम से क्या मतलब, तो वो मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। देखो, यानी कि थोड़ा आप समझने की कोशिश करना। देखो, ये आपके जो दोनों एग्ज़ाम हैं ईपीएफओ और जेएनयू, यानी कि दोनों एग्ज़ाम को लगभग एनटीए कंडक्ट करवा रहा है, यानी कि इन दोनों एग्जाम को एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन दोनों एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। समझ गए होंगे आप। अभी आगे देखो, ये लगभग आपके 2019 की वैकेंसी है। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो जिसके लगभग आपके पूरा प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ। देखो, इसका जो प्रोसेस है 27/6/2019 से स्टार्ट हुआ था और 27/9/2019 को इसके आवेदन समाप्त हुए थे, यानी कि और उसके एडमिट आपके एग्जाम हुए थे लगभग 31/8/2019 को, यानी कि 1 महीना और 10 दिन के बाद, यानी कि 40 दिन के बाद ऑनलाइन आवेदन समाप्त होने के बाद 40 दिन के बाद इसके एग्जाम हो गए थे। बिल्कुल सही है। तो अभी हम थोड़ा वापस ऊपर जाते हैं। देखो, तो इसके लगभग आपके ऑनलाइन आवेदन 26/4/2023 तक इसके चलने वाले हैं, तो इससे हम 40 दिन काउंट करेंगे तो भी आपके अप्रैल चल रहा है और अप्रैल 26 मई और मई में लगभग 10 दिन और जोड़ेंगे, तो यानी कि 5 जून के आसपास, 5 जून के आसपास आपके ईपीएफओ यानी कि आपके इसके एग्जाम आपके हो सकते हैं। तो एनटीए आपके इसका एग्जाम करा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जून के फर्स्ट वीक में आपके ईपीएफओ का आपके एग्जाम होने के चांस बन सकते हैं। बिल्कुल समझ गए। तो अभी देखो, यानी कि आपके जो एनटीए आपके जो जवाहरलाल नेहरू इसके जो आपके आवेदन पहले हुए थे ईपीएफओ से, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर इसके एग्जाम आपके ईपीएफओ से पहले ही होंगे, ये तो कन्फर्म है। तो अभी देखो, आपके लगभग यानी कि इसके जो आपके ईपीएफओ का आपके जून में एग्जाम है, जून में, तो लगभग आपके आज 3 अप्रैल आपके हो चुकी है। और एनटीए लगभग किसी भी एग्जाम का नोटिस आपको 1 महीने लगभग पहले दे देता है। जैसे कि फिलहाल में आपके कौन से अभी एग्जाम हुआ जिसका लगभग एनटीए लेबोरेटरी अटेंडेंट जो नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जिसके लगभग एक महीने पहले उसका नोटिफिकेशन दे दिया था। तो अभी आपके लगभग कुछ मुझे लगता है कि आपको जल्द यानी कि 4-5 दिन में आपको लगभग नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है जेएनयू का आपको 4 से 5 दिन हमसे ज़्यादा तक लगता है कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और आपके अब मई के फर्स्ट वीक में आपके लगता है कि आपके लगभग एग्जाम होने के चांस बन सकते हैं, और यानी कि 15 मई तक आपके एग्जाम होने के चांस बिल्कुल बन सकते हैं। तो ये अपडेट है, तो 15 मई के आसपास आपको लगभग इससे पहले आपके एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।